सुप्रभात भारत, मैं हूँ श्रेया गिरी। सुप्रभात भारत, मैं हूँ वर्षा। हमारा दिन कैसे बीतेगा ये हमारी सुबह तय करती है। सुबह अगर अच्छी हो, खूबसूरत हो, तो पूरा दिन भी वैसे ही बीतता है। इसलिए अब सुबह सुबह खबरों के नाम पर सिर्फ शोर नहीं होगा, हमारे खास कार्यक्रम में होगी आपके काम की हर वो बात जो आपका दिन बना देगी। दिन का सुविचार होगा, योगा से लेकर संगीत की सुरलहरियां होंगी, फनकार दिखाएंगे अपना हुनर और आपके जन्मदिन की होगी बात। साथ ही होगी असल भारत की, दर्शन कराएंगे गौरवशाली भारत के और उसके समृद्धशाली अतीत के, ये भी बताएंगे कि कैसे खुद को निखारे। आखिर में वीके न्यूज पूछेगा सवाल और अगर आपका जवाब हुआ सही तो आपको मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो शुरू करते हैं आज का खास शो सुप्रभात भारत। जैसे तन के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही मन के लिए जरूरी है अच्छे विचार। अगर विचार अच्छे हो तो आपका मन भी तंदुरुस्त रहेगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। आज का सुविचार है, जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। बिल्कुल श्रेया, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, ये वाकई सच है। इंसान का धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इंसान का धैर्य ही मुश्किल की घड़ी में उसे संयम रखना सिखाता है। स्वस्थ मन के बाद अब बात करते हैं स्वस्थ तन की। अच्छे विचारों के साथ साथ जरूरी है सेहत का ख्याल। आज की भागदौड़ की जिंदगी में लोगों को अपनी सेहत के बारे में सोचने का वक्त ही कहाँ मिलता है। ना ही वो सही खाने का चयन कर पाते हैं। लेकिन अब आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे क्या है सेहत के लिए फायदेमंद और क्या खाने से होता है नुकसान। कई बार हम ऐसा करते हैं कि एक ही टाइम खाना बनाते हैं और वही खाना अपने दूसरे मील में भी खा लेते हैं, या तो कभी ऐसा हो जाता है कि खाना बच जाता है और हम उसे दूसरे मील में खाने के लिए रख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि खाना फेंकना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसे रख कर दूसरे मील में खाना पड़ जाता है महंगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि किन चीजों को दोबारा गर्म करके खाने से नुकसान होता है, ताकि आप भी उनसे होने वाली परेशानियों से बच सकें। हरी सब्जियां जैसे पालक अगर बच जाती है तो आपको उसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पालक में कई गुना संख्या में आयरन होता है और अगर आप इसे दोबारा गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा। ऐसा माना जाता है कि आयरन की ऑक्सीडेशन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। चावल में स्पोर्स होते हैं, ये इसमें तब भी मौजूद रहते हैं जब ये पककर तैयार हो जाते हैं, और ये इंसानी शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होते अगर इन्हें पकने के तुरंत बाद ही खा लिया जाए। लेकिन इन्हीं पके हुए चावलों को अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में कुछ देर के लिए भी रखते हैं तो ये स्पोर्स बैक्टीरिया में बदल जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इससे आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अंडों में प्रोटीन होता है, हमारे शरीर को प्रोटीन मिले इसलिए हम इन्हें खाते भी हैं। लेकिन अंडों को बार बार गर्म करना हो सकता है आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक। अगर आप अंडों को बार बार गर्म करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन के साथ गर्म होता है, और फिर आप इसे खाते हैं तो ऐसा करने से आपके कैंसर के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि चिकन को जितनी बार गर्म करके खाते हैं उतनी बार इसका टेस्ट बदलता है। ऐसा माना जाता है कि चिकन बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, इससे ये होता है कि प्रोटीन कॉम्पोजिशन बदल जाता है और इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो जाता है।
जैसा कि हमने आपको बताया कि किन चीज़ों से आपको नुकसान होता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें दोबारा गर्म करना आपको गंभीर बीमारियों का शिकार कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, लॉकडाउन के चलते लोगों की सेहत काफ़ी बिगड़ गई है। उनकी दिनचर्या आलस से ही शुरू होती है और आलस पे ही ख़त्म। यही नहीं, उनका बॉडी पॉस्चर भी गड़बड़ा गया है। किसी ने फैट गेन कर लिया है तो किसी ने थकान का हाथ थाम लिया है। यही नहीं, कुछ लोग तो गंभीर बीमारियों के भी शिकार हैं, जैसे स्लिप डिस्क, सर्वाइकल और कमर दर्द। आपके लिए इन्हीं परेशानियों का समाधान लाई हैं हमारी योगा एक्सपर्ट शुभा सचान जी। नमस्कार, मैं हूँ शुभा सचान। आज मैं आपको कमर दर्द, स्लिप डिस्क और सर्वाइकल से बचने के लिए एक योगासन बताऊंगी, जिसका नाम है भुजंगासन। सबसे पहले आपको पेट के बल इस मुद्रा में लेटना होगा। इस मुद्रा में आप लेटने के बाद में अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और गर्दन को हल्का सा ऊपर देखेंगे। ये क्रिया आपको कम से कम 5 से 10 बार करनी है। अगर आप अपने हाथों को बगल में नहीं रख सकते तो बीच में ऐसे पकड़कर इस मुद्रा में भी आप ये आसन कर सकते हैं। आपकी कमर दर्द, सर्वाइकल और स्लिप डिस्क के लिए ये आसन काफी लाभदायक है। ऐसे ही तमाम आसन को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। शुभा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इन परेशानियों का समाधान बताने के लिए। आपने इन सबको बताया कि इस योग से कैसे वो अपनी इन गंभीर परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। मैं भी आपके बताए योग को घर जाकर जरूर ट्राई करने वाली हूँ। वर्षा, योगा हमारे मन को तो शांत करता है, लेकिन फिर भी हमारे मन में अक्सर ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब जानने की उत्सुकता हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब की तलाश में हमारे दर्शक भी होंगे, इसलिए हम आपको देंगे हर सवाल का जवाब जो शायद ही आपको पता हो। बिल्कुल श्रेया, हमारा मन बहुत चंचल होता है और व्यक्ति हमेशा अपने सवालों के जवाब की तलाश में रहता है, और ऐसे सवाल जो आसानी से कहीं नहीं मिलते। लेकिन अब ऐसे ही हर सवाल का जवाब हमारे सहयोगी अमन यादव आपको देंगे। आज का सवाल है, एम्बुलेंस गाड़ियों में एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? आप लोगों ने नीली या लाल बत्ती लगी हुई सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस वर्ड उल्टा क्यों लिखा होता है? जिस तरह लाल बत्ती, नीली बत्ती, गाड़ी में सायरन का बजना एक एम्बुलेंस की पहचान होती है, इसी तरह उसके ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है वो भी एक साइन होता है। ये एम्बुलेंस वर्ड आगे चल रही गाड़ियों के लिए एक साइन होता है, क्योंकि जब आप अपनी गाड़ियों के मिरर से पीछे देखते हैं तो पीछे की साइड में जो भी वर्ड लिखा होता हैं वो आपको उल्टे दिखाई देते हैं। बता दें कि गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, जिसके वजह से वर्ड उल्टे दिखाई देते हैं। तो एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ताकि जब आप मिरर से पीछे देखें और आपको पीछे जो एम्बुलेंस होती है उस पर लिखा शब्द आपको सीधा दिखाई पड़े, जिससे आप समझ जाएं कि आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है, जिसे पढ़कर आप उसको रास्ता दें ताकि उसमें जो मरीज है उसको टाइम पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि एम्बुलेंस पर उल्टा वर्ड क्यों लिखा होता है। आज का सवाल यहीं खत्म होता है। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल और उसके जवाब के साथ। इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं पता था। क्यों दर्शकों, मिला आपको आपके हर सवाल का जवाब? मुझे लगता है ऐसे ही अजब गजब सवालों का मेला आपके मन में भी लगा होगा, लेकिन आप भी अपने सवालों का सटीक जवाब चाहते हैं, तो हमें अपने सवाल जल्द से जल्द
कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम देंगे आपके हर सवाल का जवाब। अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा टर्नओवर हासिल किया। हम बात कर रहे हैं भावेश अग्रवाल की। भावेश अग्रवाल का जन्म लुधियाना पंजाब में हुआ था। उन्होंने 2008 में IIT बॉम्बे से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद भावेश अग्रवाल ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में रिसर्च इंटर्न के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन एक बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद भावेश अग्रवाल ने अपनी नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस सेट करने की सोची, जिसमें वो लगातार कामयाब होते रहे। अग्रवाल एक भारतीय उद्यमी और भारत की सबसे लोकप्रिय कैब टैक्सी और राइड शेयरिंग कंपनी ओला कैब्स के सह संस्थापक हैं। भावेश अग्रवाल का जन्म 28 अगस्त 1985 को लुधियाना पंजाब में हुआ था। आपको बता दें, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक की है। 2010 में भावेश अग्रवाल को ओला कैब का विचार तब आया जब वो एक बार टैक्सी बुक करके बैंगलोर से बांदीपुर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में टैक्सी वाले ने टैक्सी रोक दी और तय किए गए किराए से अधिक किराए की मांग करने लगा। जब भावेश अग्रवाल ने उसे ज्यादा किराया देने से मना कर दिया, तब टैक्सी ड्राइवर उन्हें बीच रास्ते में उतार कर चला गया। टैक्सी के साथ उनका यह अनुभव बहुत ही बुरा रहा और फिर भावेश अग्रवाल ने ये सोचा कि जैसा आज उनके साथ हुआ है, इसी तरह देश के बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। टैक्सी सर्विस से बहुत से आम लोग परेशान होते होंगे। इस तरह भावेश अग्रवाल के मन में ओला कैब का विचार आया। उनके परिश्रम से ओला भारत में सबसे बड़े स्टार्टअप में से एक है। शुरुआती समय में भावेश अग्रवाल के माता पिता उनके जॉब छोड़ने की वजह से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भावेश को अभी और भी अनुभव की जरूरत है। लेकिन जल्द ही उन्हें जब ओला कैब के लिए फंड मिलने लगा तो घर वालों का सहयोग भी उन्हें मिलने लगा। भावेश अग्रवाल का मानना है कि बिजनेस आइडिया तो हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन जब तक आइडियाज को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जाए, तब तक वो आइडिया किसी के काम के ही नहीं होते, जब तक सफलता नहीं मिलती है। दर्शकों, हमने आपको ओला के भावेश अग्रवाल के बारे में बताया है। उम्मीद करते हैं आपको इनसे खूब प्रेरणा मिली होगी। तो देखा आपने किस तरह से भावेश अग्रवाल ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। अगर आपके पास भी ऐसा कोई बिजनेस प्लान है जो सबके काम आ सकता है, जो समाज के काम आ सकता है, तो बिना सोचे कि इस पर दुनिया क्या कहेगी, उस प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट किए, आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी जानकारियाँ बेहद पसंद आई होंगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और बताएंगे एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी जिसे सुनकर आपको भी एक भारतीय होने पर गर्व होगा। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं। अब नए रंग रूप में पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल VK न्यूज, राष्ट्र के नाम। अब आपके सवालों को हम और बनाएंगे धारदार। अब आपके मुद्दों को हम चढ़ाएंगे और परवान। अब हमारे सवाल होंगे और ज्यादा तीखे। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, क्योंकि हम हैं 24 घंटे सातों दिन VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।
देश की हर छोटी बड़ी खबर, सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास आम की बात, पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष, सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है, सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सुप्रभात भारत में। अभी तक हमने आपको बताया कैसे सुविचारों से हमारा नजरिया बदला जा सकता है, कैसे आप सेहत का ख्याल रख सकते हैं। अब हम आपको भारत के इतिहास की अनसुनी कहानियां सुनाएंगे। आज हम आपको बताएंगे भारतीय वीरों की ऐसी कहानी जिसका जिक्र इतिहास में तो हुआ है लेकिन फिर भी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। ये इतिहास आज कहीं दब कर रह गया है। उज्जैन के वीर पराक्रमी योद्धा राजा जयवंत सिंह पंवार के बारे में बात करके गर्व से मस्तक ऊंचा हो जाता है। जो पराक्रम, साहस, तेज, प्रताप, अनुशासन और दया के प्रतीक है। लेकिन सिर्फ वे ही नहीं, उनके सैनिक भी शूरवीर योद्धा राजपूत थे। एक बार एक खबर आई कि मुसलमानों की सेना भारत में घुसने वाली है, तभी राजपूती सेना तैयार हो गई और निकल पड़ी देश और धर्म की रक्षा के लिए। मुसलमान सेना जानती थी कि अगर क्षत्रिय राजपूतों से टकराए तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा, इसलिए मुसलमानों ने एक तरीका निकाला। तरीका ये कि युद्ध तो हो लेकिन सेना पर आंच भी ना आए। चालाक शहादत खान ने राजा जसवंत सिंह से कहा कि एक तुम्हारा वीर राजपूत सेना की तरफ से लड़ेगा और दूसरा हमारी तरफ से, दोनों में से जो जीतेगा उस सेना की जीत मानी जाएगी। राजा जसवंत सिंह ने हां कर दी और कहा पहले अपनी तरफ से वीर भेजो। खान ने सेना के सबसे ताकतवर 8 फीट लंबे योद्धा को भेजा। तब राजा जसवंत सिंह ने कुछ देर अपनी सेना की तरफ देखा तो खान को लगा राजा डर गए। तब राजा जसवंत सिंह ने कहा कि मैं किस वीर को चुनूं, मेरी सेना में सारे क्षत्रिय राजपूत वीर ही हैं। अगर किसी एक को चुना तो सेना में लड़ाई हो जाएगी कि मुझे क्यों नहीं चुना। राजा ने खान को ही ये मौका दिया कि वे खुद उसे चुन ले। तो उस कायर शहादत खान ने एक बूढ़े राजपूत को चुना। फिर भी बूढ़े राजपूत के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई, ना ही वो घबराया और सीना चौड़ा करके लड़ने के लिए आगे बढ़ा। लड़ाई शुरू हुई। 8 फीट लंबा चौड़ा मुसलमान सिपाही राजपूत पर भारी पड़ने लगा। इधर राजपूत सैनिक भी डट कर सामना करता है। देखते ही देखते उस मुसलमान ने राजपूत के पेट को भाले से चीर दिया और ऊपर उठा दिया। सब देखकर दंग रह गए कि अचानक क्या हुआ। राजपूती सेना की आंखों में हार झलकने लगी। तभी राजा ने अपने वीर योद्धा को आदेश दिया कि काट दो इस मुसलमान सैनिक का सिर। उस भाले पर लटके राजपूत ने तलवार निकाली और झट से उस मुसलमान का सिर कलम कर दिया और फिर पेट में घुसे हुए उसी भाले के साथ सेना में आकर तनकर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाने लगा जीत हमारी हुई। सारे सैनिक भी जय राजपूताना के नारे जोर जोर से लगाने लगे।
सब उस शूरवीर राजपूत की वीरता को देखकर दंग रह गए और मुसलमान सैनिकों को हार मानकर वापस लौटना पड़ा। जिस तरह कई युद्ध राजपूतों ने जीते हैं और इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, उसी तरह ये जंग भी राजपूतों के शूर वीरता, सम्मान और गौरव का उदाहरण है। जैसे कुछ ऐतिहासिक कहानियां इतिहास के पन्नों में दबकर रह गई हैं, वैसे ही हमारा ऐतिहासिक संगीत भी आज के तड़कते फड़कते शोर में खो गया है। आज के दौर में सुकून वाला संगीत आपको सिर्फ पुरानी सीरीज में ही मिलेगा, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि आपको किसी न्यूज चैनल पर सुकून भरा संगीत सुनने को मिलेगा। जी हाँ, अब आपकी सुबह मिठास से भरी होगी। हाँ वर्षा, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल की भागदौड़ में सुकून ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे युवा कलाकार से जिन्होंने हमारी संगीत की विरासत को संजो के रखा है। नीरज जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम सुप्रभात भारत में। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नीरज जी हैं वो एक सिंगर या कंपोजर ही नहीं हैं, ये एक बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं, बहुत वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, ये बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। ये हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। तो वर्षा ने तो नीरज जी आपका परिचय दे ही दिया है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को सबसे पहले आप अपने हुनर का परिचय खुद दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मेरा परिचय राग यमन से देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत राग है, कुछ आलाप छोटा सा, और उसके बाद एक फिल्मी गीत जो आजकल बहुत प्रचलित है वो मैं इस पर बजाता हूँ। आपने इतना शानदार सरोद बजाया है कि मेरे लिए तो ये अकल्पनीय है कि कैसे आपने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से सरोद के तारों से मधुरता की आवाज निकाल दी। बिल्कुल श्रेया, वाकई ही मैंने इतना शानदार सरोद आज से पहले कभी नहीं सुना। नीरज जी, आपने वाकई ही, आपका जो हुनर है वो काबिले तारीफ है। हाँ जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी नीरज जी। आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से आपका लगाव है, आपका गहरा रिश्ता है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, चाहे वो तबला हो,
चाहे वो हारमोनियम हो या गिटार हो, या हमने आपकी वीडियोस में देखा आप बहुत अच्छा सरोद बजाते हैं, तबला बजाते हैं, लेकिन आपका एक तो ऐसा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका आपसे दिल का रिश्ता होगा। जी बिल्कुल, वैसे तो जैसा आपने कहा कि सभी मेरे पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन एक होता है जिसका जुड़ाव सीधे हमारे आत्मा से होता है जी। और वो मेरे लिए है सरोद। उसका एक ही कारण है कि आज के युग में हर कोई सुकून ढूंढ रहा है जी, और मुझे वो मेरा सुकून सरोद के माध्यम से मिला, इसीलिए सबसे पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट मेरा सरोद है। बिल्कुल सही कहा आपने। नीरज जी, हमें ये भी पता है और हमने ऐसा दर्शकों को भी परिचय दिया है कि जो आपके पिताजी हैं वो बेहद ही बेहतरीन गायक हैं, तो आपको उनसे तो इंस्पिरेशन मिली होगी, लेकिन उनके अलावा भी कोई तो होंगे जिनसे आप इंस्पायर हुए होंगे, जो आपके लिए आइडल होंगे या जिनको आप फॉलो करते होंगे। जी बिल्कुल, मेरी सांगीतिक शिक्षा मेरे पिताजी के द्वारा ही हुई है, बचपन से घर में वही माहौल रहा है, सब वहीं से शुरुआत हुई, लेकिन जैसे जैसे मैं मेरी यात्रा बढ़ते गई, अच्छे गुरु की तलाश में मैं निकल पड़ा, और जल्द ही मुझे मेरी किस्मत थी कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले। सबसे पहले मैंने तबला सीखना प्रारंभ किया पंडित गोविंद राव जी देशमुख, जो कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में HOD थे। लगभग 12 साल उन्हीं से तबला सीखा, साथ ही साथ फिर उनके पुत्र पंडित पुष्कर जी देशमुख, उनसे मैंने सरोद सीखना प्रारंभ किया, और अभी भी मेरी शिक्षा जारी है, और वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। बस जी, बहुत बहुत जरूरी भी है कि हमारी जर्नी में, हमारे सफर में, चाहे वो म्यूजिक का हो, चाहे किसी भी फील्ड का सफर हो, जरूरी भी है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एडमायरेशन हो जिसे हम एडमायर करके आगे बढ़े। हमें बहुत बहुत खुशी हुई कि आपके पास वो एडमायरेशन है, वो इंस्पिरेशन है जिन्हें आप फॉलो करते हैं। इसी के साथ नीरज जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। VK News दे रहा है हुनर का मंच। आज हमारी स्क्रीन पर नीरज जी थे, कल आप भी हो सकते हैं, तो जल्द से जल्द हमें अपने हुनर की वीडियो बनाकर नीचे दी गई ईमेल आईडी पर सेंड करें। अभी हमने आपके कानों में सरोद की मिठास खोली, लेकिन अब हम आपको देंगे जरूरी जानकारी। बिल्कुल, हमारे लिए जितना जरूरी मनोरंजन और स्वस्थ रहना है, उतना ही जरूरी है काम की बातों को नजर डालना। तो चलिए नजर डालते हैं इस जानकारी पर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ट्रांसपोर्टेशन के नए रूल्स बनाए हैं। ट्रांसपोर्टेशन के पुराने नियमों के मुताबिक एक बाइक पर दो लोग उससे ज्यादा नहीं बैठ सकते, और दोनों का हेलमेट लगाना भी जरूरी है। इसके साथ ही गाड़ी के सभी ओरिजिनल पेपर भी साथ होने चाहिए। अगर इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो पुलिस कर्मी आपकी फोटो खींच आपका चालान काट देते थे, और फिर वो चालान आपके लिंक्ड होम एड्रेस पर पहुँचता था। तब आपको मालूम पड़ता था कि आपका चालान कब और कैसे कटा। कई लोग इस नियम से परेशान हैं, क्योंकि कभी कभी वो एक सेकेंड के लिए भी हेलमेट उतारते हैं तो फोटो खींच ली जाती है और घर पर चालान पहुंच जाता है। ऐसे में कई लोग तभी के तभी एग्रेसिव हो जाते हैं और खुद की गलती होने पर भी पुलिस कर्मी को डराने धमकाने लगते हैं। लेकिन इस बार ट्रांसपोर्टेशन में एक नया बदलाव लाया गया है। अब ट्रांसपोर्टेशन के पुलिस कर्मी नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का सिर्फ फोटो खींचकर चालान नहीं काटेंगे, अब वो वाहन चालक की वीडियो बनाएंगे। अब से चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइस में स्पीड कैमरा, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वेरिएबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, वेट इन मशीन, ऐसी कई तकनीक शामिल है। ट्रांसपोर्ट पुलिस अधिकारी के मुताबिक नई तकनीक का इस्तेमाल होने से पुलिस कर्मियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के अभद्र व्यवहार को भी रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अभी तक नियम तोड़ने वालों के पास चालान का नोटिस पहुंचने में कई महीने का समय लगता था। इससे चालान भरने में भी लोग देरी करते थे और सरकार को समय पर रेवेन्यू नहीं मिल पाता था।
अब से चालान काटने के 15 दिन के अंदर ही नोटिस भेजा जाएगा और तब तक सबूतों के रिकॉर्ड रखे जाएंगे जब तक कि चालान भर नहीं जाता है, और साथ ही कई चौराहों पर CCTV कैमरे और इंडिकेटर्स लगाए जाएंगे ताकि उसमें भी नियम का उल्लंघन और अगर वाहन चालक कोई अभद्र व्यवहार करता है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाए। तो देखा आपने कैसे हमने आपको सरल भाषा में चालान का पूरा प्रोसेस समझाया और अब हुए बदलाव के बारे में भी बताया। अब से अगर आप सभी रूल्स को सही से फॉलो करेंगे तो आपको चालान कटने की चिंता बिल्कुल नहीं होगी। काम की बात तो हो गई, सेहत की बात भी हो गई, अब बात करेंगे उस खास दिन की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो खास दिन है आपका जन्मदिन, हमारे दर्शकों का जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू ऑल जिनका आज जन्मदिन है। आपका दिन मंगलमय हो और आप जिंदगी में हर वो चीज पाएं जिसकी आपको चाह है। और अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम अपना दिन परफेक्ट कैसे बना सकते हैं, तो आप बेफिक्र होकर हमारे पंडित जी को सुनिए जो आपको हर वो जानकारी देंगे जो आपके दिन के लिए बेहद जरूरी है। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आज बात करते हैं 12/9/2021 को जन्मे लोगों के बारे में, और सबसे पहले तो उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 सितंबर को जन्मे लोगों का मूलांक 3 माना जाएगा। इस अंक का स्वामी गुरु है और साल के स्वामी बुध और आपके अंक के स्वामी गुरु में खट्टा मीठा रिश्ता है। इस साल यह संयोग ऐसे ही खट्टे मीठे अनुभव देगा। मूलांक 3 का इस साल कैरियर कैसा होगा, जैसे कोरे कैनवास पर मन चाहे रंग बिखरने का सुख होता है, इस साल कैरियर में कुछ ऐसे ही अनुभव इनको प्राप्त होंगे। आप जहां और जैसा चाहेंगे वैसा यह साल आपको अवसर देगा। आप लोग बहुत ही दिमागदार व्यक्ति होंगे और अपना जीवन आनंद से बिता पाएंगे। अब बात करते हैं कि ऐसे जातकों का शुभ अंक कौन कौन से होते हैं, तो 3, 9, 15, 12 और 24 इनके शुभ अंक होते हैं। बात करते हैं इनका शुभ रंग कौन सा होता है, तो लाल, गुलाबी, बैंगनी और नीला इनका शुभ रंग होता है। अब बात करते हैं इनका शुभ दिन कौन सा माना जाएगा, तो मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार इनका शुभ दिन माना जाएगा। और ऐसे लोग परिवार के साथ बहुत ही प्रेम और स्नेह से रहते हैं, तो इसीलिए सभी के साथ तो पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दर्शकों, ओम नमः शिवाय। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना कि हमारे पंडित जी ने कैसे आपको बताया कि कैसे उन्होंने अपने एक शो में आपको हर वो जानकारी दी जो आपके लिए जरूरी है, जो आपका दिन एकदम परफेक्ट बना सकती है। तो देखा आपने, अपने एक शो में हमने आपको कितनी सारी जानकारियां दी, और अब बारी है आज के सवाल की। क्यों वर्षा, फिर से पूछा जाए सवाल? बिल्कुल श्रेया, मुझे भी इसी घड़ी का इंतजार था कि कब हम आएंगे और कब हम एक सवाल अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। तो आज वीके न्यूज के दर्शकों के लिए सवाल है, तुलसी कृत श्री रामचरितमानस यानी रामायण में कितनी चौपाइयां हैं? सवाल तो श्रेया तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि कौन सा दर्शक सबसे पहले मुझे इस सवाल का जवाब देगा हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। सही जवाब देने वाले को हमारी तरफ से दिया जाएगा एक गिफ्ट। गिफ्ट में क्या है ये तो सही जवाब देने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये गिफ्ट आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन कल हम फिर लौटेंगे कई जानकारियों और नए सवालों के साथ। कल भी बहुत कुछ खास हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन आप देखना ना भूलें सुप्रभात भारत। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।